मेरा नाम तंजीला महबीबा है, मैं MP हूँ सिंध असम्बली से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी पार्टी है। ये एक बहुत इनोवेटिव मुझे लगा हमारा जो पूरा सेशन हुआ था, जिसमें हर पार्टिसिपेंट को क्लियर रहा कि उसका टेक अवे क्या होगा इस यहाँ से जाने के बाद, वो किस तरह से अपने पूरे काम को पूरे इस टाइम को यूटिलाइज़ करेगा, आम लोगों तक इसके समरात कैसे पहुँचेंगे। और इसमें हमें बताया गया कि नेशनल एक्शन प्लान कितना ज़रूरी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब मिलकर हर सूबा हर लेवल पर जब तक इसमें शामिल नहीं हो जाते तब तक ये नेशनल एक्शन प्लान अपने समरात नहीं हासिल कर सकेगा, जो इसके रिज़ल्ट सोचे गए हैं वो नहीं मिल सकेंगे हमको। और इसके साथ साथ एक और जो हमें बहुत ज़्यादा जिस पर डिस्कशन की गई वो है पैगाम पाकिस्तान, जिसमें बताया गया कि एक्सट्रीमिज़म में को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मुल्क को किस तरह से अमन का गहवारा बना सकते हैं, इस पाकिस्तान को किस तरह से कायदे आज़म का पाकिस्तान बना सकते हैं। और SDG जिसके लिए हम सब लोग पाबंद हैं, पाकिस्तान का हर एक बंदा पाबंद है, यहाँ फोकस किया गया 16th पॉइंट को, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया कि SDG 16 किस तरह से कनेक्टेड है 1-17 गोल्स के साथ और ये गोल्स किस तरह से ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए और हमारे वो प्रोमिस जो हमने इंटरनेशनल लेवल पर किए हैं। बहुत शुक्रिया।